शहजाद हुसैन भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम ट्राइंग टू बी ओके जस्ट लाइक एनी अदर पाकिस्तानी, बट आई वॉन्ट टू आस्क यू, माशाल्लाह से आपको कपड़ा अरसा हो गया जनाब सहाफत में, और आपके बड़े ताल्लुकात भी हैं मोहसिन नकवी साहब से, गालिबन कोई बात हुई है कल की शिकस्त के बाद, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। दुरुस्त फरमा रही हैं आप, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो भारत से हार के बाद जो मोहसिन स्पीड है, उसने अपनी स्पीड जो है वो बहुत तेज कर ली है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने मोहसिन नकवी को आज से कबल यकीन जानिए कि इतने गुस्से में कभी मैंने नहीं देखा। उनका कहना है कि टीम में जो छोटी सर्जरी से काम चल जाना था, मगर अब जो सर्जरी है वो बहुत उनका ख्याल है वो बड़ी करने जा रहे हैं। वो ना सिर्फ मैनेजमेंट पर इस दफा भरम हुए हैं, बल्कि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक जो प्लेयर हैं उनसे भी बात करके उन्होंने उनको आखिरी वार्निंग का लफ्ज जो है वो इस वक्त इस्तेमाल कर चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कजाफी स्टेडियम जो कि PCB का हेडक्वार्टर है, अगर उधर भी थोड़ी सी नजर दौड़ा ले तो आपको हालात वहां भी वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि टीम में है। वहां पर चीफ ऑपरेटिंग अफसर जो सलमान नसीर समेत तमाम डायरेक्टर हैं, उनके दफातर जो है वो खाली करवा लिए गए हैं। आधी बुनियादों पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA में वो अपना काम हंगामी बुनियादों पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मोहसिन नकवी की जानब से एक बड़ी खुशखबरी भी देता जाऊं कि 50 करोड़ रुपए मालियत का जो प्लाट था PCB का, वो PCB ने बाय कर दिया है। ये वो प्लाट है जिसके पास चैंपियन ट्रॉफी जो कि 2025 में होनी है वो पाकिस्तान में होनी है, उसके लिए कजाफी स्टेडियम से जो मलहका कसीर मंजिला इमारत है वो 5-स्टार होटल जो बनना है। लिहाजा अब लाहौरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब खिलाड़ियों के लिए आने जाने के वो ट्रैफिक के मसाइल, आप फंस जाती थी आपको याद होगा, सड़कें बंद हो गई, लाइटें लगा दो और जनाब पूरा लाहौर जगमग कर रहा है। देखिए टीम ने यहाँ से PC होटल से गुजर के कजाफी स्टेडियम जाना है। अब तो ये मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक सिक्योरिटी के मामला भी इससे बेहतर हो जाएंगे। अच्छा बट सब ये इंतजामी मामला तो इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी अगले साल है वो सारे हल हो जाएंगे। आपने यकीनी तौर पर तमाम अंदर की बातें तो जानने की कोशिश की होगी। आकिब हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, ये कहते हैं कि 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, ये आप तक भी बात पहुंची होगी, यकीनन आपने नकवी साहब से भी बात की होगी कि जो 3 ग्रुप्स है अंदर, एक शाहीन का है, एक रिजवान का है, एक कप्तान बाबर आजम का है, तो इस हवाले से जो मोहसिन नकवी साहब है चेयरमैन PCB साहब है वो आगाह है कि वाकई ग्रुपिंग हुई है, इस हवाले से कोई बात हुई? देखिए आपका सवाल देने सवाल के जवाब का देने की बजाय यहाँ पर लाहौर के बेस्ट 3 रिपोर्टर हैं, ही इज वन ऑफ देम आपके पास बैठा हुआ है, आपको अभी जवाब देगा। लेकिन आपकी बराह रास्त बात हुई ना जी, मैं आपको जूम मानी एक टिकरा जरूर कहने की इजाजत अगर आप मुझे देंगे तो मैं एक टिकरा आपको जरूर कोट कर रहा हूँ। और मेरा टिकरा ये है कि जब मैंने मोहसिन नकवी साहब से ये कहा कि इस वक्त अमेरिका में जो वहां की सड़कों पर न्यूयॉर्क की घूम रहे हैं, मेरी वहां कुछ साफियों जो मेरे दोस्त भी मौजूद हैं मैच के मौके पर, उनमें मेरे जो दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट है रवीश उसका नाम है, मैं नाम ले लेता हूं, और जो हमारे एक और दोस्त है उनसे भी बात जब हुई है तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये मैच जो है उससे कबल वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को शिकस्त होगी। जब मेरी बात हुई एक इनिंग्स के बाद तो उन्होंने तब भी यही बात कही, और यही बात मोहसिन नकवी के भी इल्म में है कि ये जो वहां हो रहा है, मैं आपको दावा कर रहा हूं, आज मैं आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा क्योंकि आज के बाद आपको इसी टीवी स्क्रीन पर चंद दिन के अंदर इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। अच्छा। अभी कहना जरा कबल वक्त हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको सर्जरी का लफ्ज बात करके मैंने बात को बोल कर रहा हूँ कि ये जो बात आने वाली दिन आपके प्रोग्राम में ही इंशाल्लाह ब्रेक होगी, यही खबरें आप ये कह रहे हैं, ना कहते हुए भी आप ये कह गए हैं कि एवरीबॉडी न्यू की शिकस्त होगी क्योंकि पॉलिटिक्स है अंदर, इंक्लूडिंग मोहसिन नकवी को सारी बातें इल्म है जो वहां पर हुई हैं, हर चीज रिकॉर्ड पर लाई जा चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस, मैं आपके साथ एग्री हूँ और मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ कि इसी स्क्रीन पर CNN पर आप जब प्रोग्राम कर रही होंगी आइंदा चंद दिन के अंदर तो इतनी बड़ी कहानियां सामने आएंगी, तो क्या भाई कहना, मैं समझता हूँ कबल वक्त है। ठीक है, अच्छा अच्छा भट्ट साहब, आप जाती तौर पर क्या समझते हैं जो हार का, जो इस सारी सूरतयाल का, आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? देखो भाई कसूरवार क्या ठहराना, सारी दुनिया का मूड खराब है, मैम का भी मूड खराब है, तूने भी ब्लैक कपड़े पहने हुए, आप इससे ज्यादा सर पर पट्टी बांधी जा सकती है। लेकिन सवाल आपका जो है
वो दुरुस्त है, उसका जवाब ले लेते। जी जी। उसका भाई जी, इसका सीधा सीधा जवाब तो है वो ये है कि आपकी जो ओपनिंग है ना, मैं समझता हूँ कि आपकी जो ओपनिंग है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं कि उसको आइंदा ओपनिंग कमाई जाए। उसकी कैपेसिटी मैं समझता हूँ कैपेसिटी नहीं है, और इसके साथ टीम का जो कप्तान है मुकम्मल फेल्योर, मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल जो है वो टीम का कप्तान है, ये साफ है। थैंक यू बट साहब, आपने इम्पोर्टेंट बात आज यहाँ पे जो है ना वो ब्रेक कर दी है।